Hey guys, assalamu alaikum. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ. तो आज का मेरा प्लान है कि मैं अपने कजन्स के घर जाऊँ, लेकिन जाने से पहले मैं उनके लिए केक और ये ब्रेड्स बना रही थी स्टफ, तो बहुत ही अच्छे से. तो अब मैं जा रही हूँ और मौसम भी बहुत ही मज़े का था, तो अब मैं उनके घर जा रही हूँ. एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं केक मेक कर रही थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी अच्छा जी. तो बस मैं आ गई हूँ उनके घर एंड वो सब तो सो रहे हैं क्योंकि मेरी कज़न्स बहुत लेट उठती है, लेकिन अच्छा तो मेरे लिए फिर भी उठ गई थी जल्दी. तो बस पहले तो मैं जूस पी रही हूँ जो बहुत ही मज़े का था. अच्छा जी दोस्तों, लाइक ठंडा ठंडा. एंड बस यहाँ अपने कज़न्स के साथ फिर गप शप स्टार्ट हो गई हमारी, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ा आया. एंड मेरे कज़न्स का जो ये रूम है ये बिल्कुल मुझे अपने रूम की याद दिला रही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बिल्कुल मुझे अपनी रूम याद आ रही थी. और बस फिर हम चाय पी रहे थे क्योंकि बस टाइम भी था लंच का, लेकिन मैं लेट आ गई थी, तो बस इसलिए. तो हम यहाँ चाय इंजॉय कर रहे हैं और बस गप शप लगा रहे थे अपने कज़न्स के साथ. और फिर हम थोड़ा सा रेडी हो रहे थे क्योंकि हमने फ़ोटो शूट करनी थी वैसे मज़े के लिए, लाइक वैसे ही. अच्छा जी दोस्तों, और एक तो मौसम भी बहुत ही मज़े का था, लाइक बारिश हो गई थी थोड़ी थोड़ी, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो गया था सब कुछ, जो शायद आपको दिख भी रहा होगा मेरी वीडियो से. और ये ब्लैक केट अजीब सी थी, मुझे उससे डर लग रहा था. ये ऊपर बैठी थी खामोशी, लेकिन फेस इसका बहुत ही अजीब है. तो अब हम बस ऊपर छत पे वैसे वीडियोस बना रहे थे. फिर हमने लंच किया और लंच बहुत ही मज़े का था. राइस मेरी पप्पू ने बनाई थी जो बहुत ही मज़े की थी, एंड ये वाइट चिकन बहुत ही मज़े का था. अच्छा जी दोस्तों, तो बस हम ये इंजॉय कर रहे थे अपना लंच और बस बातें भी कर रहे थे. फिर हम थोड़ा सा कॉफ़ी बनाई जो बहुत ही मज़े की थी यार, अभी भी मिस कर रही हूँ. अच्छा जी दोस्तों, और यहाँ पर मेरी कज़न ने ये ड्रेस ऑर्डर किया था जो बहुत ही प्यारा था, तो वो इसे प्रेस कर रही है और जिसमें वो पिक्चर्स कैप्चर करेगी अब. एंड ये उनके घर में अनार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक भी नहीं काटा क्योंकि पता नहीं क्यों, लाइक मेरा दिल तो था. और बस फिर हम अपनी कज़न के घर आ गए और टाइम था नमाज का, तो हमने पहले नमाज पढ़ी और बस वैसे उसके रूम में हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, और उसका रूम बहुत ही प्यारा था. अच्छा जी दोस्तों, मुझे तो ये जहाँ नमाज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और बस हम फिर उसकी शादी का जो एल्बम है वो देख रहे थे, जो बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्चर्स थे उसके. अच्छा जी दोस्तों, और बस फिर हम चाय पी रहे थे जो बहुत ही मज़े की थी, उसके साथ कबाब और समोसे रोल थे. तो सीरियसली हमने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय की, लाइक अपने कज़न से मिलकर उनसे बातें करके, क्योंकि हम फिर दूसरे कज़न के घर आए थे, तो इसलिए उसके घर में बहुत ही अच्छा लगा हमें. तो बस हम इंजॉय कर रहे थे गप शप एंड बस टाइम स्पेंड हो रहा था अच्छे से. फिर हम बस बैठे थे और बस फिर डिनर का टाइम हुआ, क्योंकि व्लॉग मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि हम बस बचपन की और यादें ताज़ा कर रहे थे, बातें कर रहे थे. और डिनर तो बहुत ही मज़े का था. डिनर में हमने ये चाउमीन एंड वाइट चिकन हांडी, राइस एंड कबाब, सब कुछ बहुत ही बेस्ट था. और उस पर मैं घर आ गई और घर आकर नेक्स्ट डे पर मैंने टी टाइम में अपने लिए समोसे बनाए. और फिर 14 अगस्त भी था, तो हम थोड़ा सा बेकरी पर आए और यहाँ पर चीज़ें थी खाली हो गई थी बेकरी सारी, लाइक लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें ले रहे थे, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि ईद है. लेकिन वैसे जश्न आज़ादी थी तो ऑब्वियसली ईद की तरह ही होगी क्योंकि हमें अपना मुल्क जो मिला था. अच्छा जी दोस्तों, तो बस हम यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ अच्छी सी पेस्ट्री ले, तो हमने ली. और बस फिर मैं और मेरा भाई हम जा रहे थे, हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेंगे, और बाहर तो लोग बहुत ज़्यादा थे. अच्छा जी दोस्तों, तो ये अब 14 अगस्त नहीं तो आज 15 अगस्त है और हम जा रहे हैं शॉपिंग. और ये स्टेशन है जो BRT स्टेशन, इसको इतना अच्छा सजाया था मज़े से पूरा, तो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है ये सारे फ्लैग्स.
अच्छा जी, तो बस हम यहाँ आ गए और क्या है ना कि पहले तो मुझे जाना है जहाँ पर मैं अपनी नीस और नेफ्यूज़ के लिए कॉपीज़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर जाना है, तो मैं आ गई हूँ जवाहर टावर और यहाँ से मैं लूँगी कॉपीज़, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल के यूनिफॉर्म्स का भी एक शॉप है और साथ में ही स्कूल्स की जो सारी स्टेशनरी है ना, तो वो भी है, यूनिफॉर्म कॉर्नर वगैरह। तो स्कूल की छुट्टियां तो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, जो अचानक से वापस स्टार्ट हो गया 16 से, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रश थी। सीरियसली मैं पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया अपने नंबर का, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग आए थे और मैंने इंतज़ार भी वैसे बेकार में ही किया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो लगते नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग चीज़ें ले रहे थे तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो बस मुझे कंप्यूटर का बुक ही उनका मिला, और फिर मैं दोबारा भी आऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नीस की थोड़ी सी स्टेशनरी बाकी है तो उसके लिए। तो फिर मैं खाड़ी आ गई और यहाँ पर वैसे मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, और एक साइड पे इतनी ज़्यादा लोग थे तो मैंने सोचा बस चलो निकलती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी इंशाल्लाह। एंड मैं तो कुछ काम भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो फिर मैं और मेरा भाई हम आ गए सदर बाज़ार। हमने सोचा कि थोड़ा सा सदर का चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अगर मौसम अच्छा ना होता तो हम नहीं आते, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा था तो हम इसलिए आ गए। और यहाँ पर ये शहनशाह वाली दही बड़े जो है और ये गोलगप्पे, तो ये बहुत ही मज़े के हैं। मैंने इसके बारे में लाइक अक्सर लोगों से सुना है कि इनकी बहुत ही मज़े की होती है। तो हम यहाँ आ गए और हमने सोचा कि हम दही बड़े ले लेंगे, तो बस अब हम ले रहे हैं, पैक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने साथ ले जा रहे हैं। यहाँ पर बैठ के नहीं खाएंगे, वैसे तो यहाँ पर खाने का बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 o'clock हो गए थे। तो फिर लाइक हमें जल्दी भी जाना था घर, तो बस हमने यहाँ से दही बल्ले ले ली, बहुत ही मज़े की थी सीरियसली। और सदर का शर्मा तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी भी होता है और मज़े की भी। तो बस हम यहाँ पर पहले आ गए और हम शर्मा ले रहे हैं, जो बहुत ही मज़े से बन रही है। और मैंने इसे कहा कि स्पाइसी बनाना, मैं यार स्पाइसी बस बहुत ही मज़े की होती है। तो बस भाई ने कहा कि बस और स्पाइसेस तो नहीं डाल सकती, फिर आप नहीं खा सकोगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी सही बात है, क्योंकि अक्सर फिर मैं नहीं खाती खा सकती, लेकिन मुझे तो स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। और बस फिर यहाँ पर और भी मज़े मज़े की चीज़ें थी। अच्छा जी दोस्तों, तो सदर आके तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, वैसे ही मैं आ गई, लेकिन फिर अच्छा था कि मैं थोड़ा सा सदर बाज़ार आई, तो मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि अच्छा कुछ नहीं तो फूड तो ले ली मैंने। अच्छा जी दोस्तों, और ये मेरी सिस्टर हमेशा लेती है प्यारे प्यारे से स्वीट से बिस्किट टाइप, तो ये बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन इस बार मैंने नहीं ली। लाइक मैं चाहती थी ले लूँ, लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि बस नहीं लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अक्सर थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये वाले पिज़्ज़ा वाली जो नान है ना, तो ये पहले हम बहुत ज़्यादा लेते थे, फिर ये थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अच्छा था आज मुझे ये मिल गया। तो मैंने भाई से कहा कि ये तो हम ज़रूर लेंगे। थोड़ी सी ठंडी हुई थी, जो फिर हमने थोड़ी सी गर्म कर दी, और सीरियसली चाय के साथ बहुत ही मज़ा आया। बस फिर हम घर गए और थोड़ा सा फ्रेश हो गए, फिर दोबारा हम रात को वॉक पर आए अपनी नीस और नेफिस के साथ, और उन लोगों ने आइसक्रीम ली जो बहुत ही मज़े की थी। और बस ये थी आज की व्लॉग, मेरा पसंद आई तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।